भगवान ने तिनका उठाया
उस तिनके को ऐसे चीरा और फेंक दिया। इशारे में बताया भीम को, इसको चीर के फेंक दे, वैसे नहीं मरेगा। भीम ने एक पैर में पैर रखा, उसे पकड़ के चीर दिया और फेंक दिया, लेकिन वो तो दोनों हिस्सा फिर आके जुड़ गए। भीम ने दोबारा फेंक, फिर जुड़ गए। भीम बोले, भाई तो भगवान का इशारा भी फेर। भीम ने फिर भगवान की तरफ देखा, प्रभु ये क्या लीला हो रही है। भगवान ने फिर तिनका उठाया, तिनके को चीरा और ऐसे फेंका, ऐसे चीर के इधर का इधर, इधर का इधर। फिर भीम ने वही किया, जब इस तरह फेंक दिए तो फिर नहीं जुड़ा, मर गया। इसमें कारण था कि जब इसका जन्म हुआ था जरासंध का, तो ये दो हिस्सों में जन्म हुआ था, ऐसे आधा आधा हिस्सा। इनके माता पिता ने जब ये देखा तो उन्होंने अनिष्ट की वजह से, अरे ये तो अशुभ है, पता ना क्या कुछ अनिष्ट कर दे, क्या हो जाए, उसको फिकवा दिया। वहाँ एक जरा नाम की राक्षसी घूमती फिरती आई और उसने जब इसको दो हिस्सों में रोते देखा, दोनों हिस्सों को उठाया और एक जगह मिला दिया, ये जीवित भाई ठीक स्वस्थ हो गया। इसलिए इसका नाम भी जरासंध, मतलब जरा नाम की राक्षसी ने संधि करके जोड़ के बनाया, इसलिए जरासंध नाम। इसी वजह से इसके मरने का कारण तरीका भी वही अपनाना पड़ा। इसको जीत के भगवान ने इसके पुत्र को राज दिया और इसके मुकुट को लेकर चले आए। जरासंध का उद्धार कराया भगवान ने। उसके बाद शिशुपाल के उद्धार की कथा आती है। जब रात्रि यज्ञ की तैयारी हो गई तो उसमें आपस में सलाह करने लगे, भाई अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए। पांडवों ने सलाह की और भगवान कृष्ण को अग्र पूजा के योग्य बताया। उनमें शिशुपाल भी था। शिशुपाल गालियां देने लगा, अरे ये भी कोई अग्र पूजा के योग्य है, ये ग्वाला अनपढ़ गवार, कोई राजा नहीं, कोई नहीं, अरे और किसी को बनाओ, हमें बनाओ, और किसी को बनाओ, ये कोई अग्र पूजा के योग्य है, गालियां देनी शुरू करें। इसके जन्म की कथा का प्रसंग है, ये भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा था और जब ये इसका जन्म हुआ था इसके चार हाथ थे। अब बड़े आश्चर्य की बात, अरे भाई चार हाथ वाला बालक हुआ है, अब तो सब चिंतित थे। इसके माता पिता ने किसी ज्योतिष को बुलाया, ज्योतिष आचार्य ने बताया कि इसकी दो भुजा समाप्त हो जाएंगी, पर कब, जब ये उसकी गोद में जाएगा जिसके द्वारा इसका मरण होगा। अब इसकी माता जी जो वहां थे सभी की गोद में दे रही थी इसको, जैसे ही भगवान कृष्ण की गोद में दिया उसकी दो भुजा गायब हो गई, दो ही भुजा रह गई। हम तो शिशुपाल की माँ ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया, अरे बेटा मैं तेरी बुआ हूँ, ये तेरी बुआ का बेटा है, क्या ज्योतिष जी के द्वारा जो बात कही गई है वो सत्य होगी, तू इसे मारेगा।
भगवान कृष्ण बोले अरे गुआ मैं क्यों मारूंगा बेमतलब। और अगर मारने की बात भी आई तो मैया मारना क्या, मैं इसका उद्धार करूं। गुआ ने कहा भैया हे बेटा यहाँ पे कृपा कर दया मारियो मत। भगवान बोले तो मैया चल ठीक है मैं कोशिश करूंगा इसे न मारू, ये मुझे गाली भी देगा जब भी मैं बर्दाश्त करने की कोशिश करूंगा, पर अगर 100 गाली इनसे ऊपर उतर गया तो गुआ फिर देख लो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा, इसलिए अभी समझा दे इसे कि 100 गाली से ऊपर न उतर जाए। लेकिन वहां शिशुपाल ने इतनी गालियां देनी शुरू करी, चुप करने वाले ने भी बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि जब समय आता है ऐसे ही संयोग बनने लगते हैं। जैसे ही 100 गालियों से ऊपर उतरा तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।